क्या हुआ? ये हम जीत गए जनरल, ये जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, वो राक्षस इस शहर पर कब्जा। ध्यान से करो। Come on, तुम कर सकते हो। क्या बात है? जल्दी जल्दी काम करो, मेरी दादी भी तुमसे ज्यादा तेज काम करती है। तुमने हमारा कानून तोड़ा है, तुम लोग जंग में नहीं जा सकते। तुमने जो किया उसके लिए पछताओगे। शैतान कहीं के, जल्दी करो प्यारे बच्चे, तुम किसी काम के नहीं। कमजोर मत बनो, उठाओ इसे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जाकर बैरक और स्टेबल साफ करो, आज ही होना चाहिए। लेकिन आज क्या, कैसे होगा? जुबान नहीं लड़ानी है, काम करना है। सॉरी, जो कहा गया है वो अभी करो, जाओ। वो बाहर आ गया मैग्नस। सुनो मैग्नस, मैग्नस मैग्नस, मुझे यकीन नहीं हुआ तुमने ऐसा किया। आखिर क्या सोचकर तुम जंग में शामिल हुए, जरा हमें भी तो बताओ। तुम्हें पता है, शायद वो तुम्हें दीवार ठीक करने के काम पर लगा दें, सजा के तौर पर। अब मुझे कोई भी सजा दे, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हा? वो भी मेरे लिए एक जंग ही है। मेरे ख्याल से इसका दिमाग घूम गया है। हे, एक बात कहूँ, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें संभल के रहना चाहिए, तुम नहीं जानते वो टायरेंट्स कितने खतरनाक है। लोग लापता हो जाते हैं, वो जाते तो हैं लेकिन लौट के नहीं आते। वो देखो, ये पोस्टर उस खतरनाक तानाशाह का है। लेकिन सिर्फ इसका पिछोड़ा क्यों दिख रहा है, इससे इसे पहचानेगा कौन? मैग्नस, जिसने भी इसे सामने से देखा है, फिर उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। बहुत डराना था। अरे मेरा यकीन तो करो मैग्नस, हमें काम पर रखा है, इससे तुम खुश हो ना? तुम एलीट नहीं हो सकते, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, समझ रहे हो ना? किसने कहा ये? मेरा मतलब है कि जनरल जिन भी हमारी तरह मामूली सोल्जर थे, पर वो बहुत ताकतवर और हिम्मत वाले बन गए। मैं पूरी जिंदगी गुलाम नहीं रहना चाहता। मैं जिंदगी में टैरन से भागता नहीं फिरूंगा, मैं योद्धा बनूंगा। गुलाम जी, मेरी तलवार पकड़ो। वाह, एक एलीट योद्धा की तलवार, जीत की पहचान। मैं एक दिन इसे हासिल करूंगा, और मैं भी एक दिन एलीट योद्धा बनूंगा, और सबको मेरा हुक्म मानना होगा। बेवकूफ रिक्रूट, आखिर तुमने एक सिपाही की तलवार हाथ में लेने की जरूरत कैसे की? यही है वो रिक्रूट जो जंग के मैदान में था। अच्छा, ये है वो? तुम खुद को सिपाही समझते हो बेवकूफ? मैं भी लड़ना चाहता था। मैग्नस, अरे नहीं है। हीरो, तुमसे तलवार तो उठती नहीं, मैं कुछ चूजों को जानता हूँ जो तुमसे बेहतर टायरेंट से लड़ सकते हैं। अरे शांत हो जाओ भाई। वैसे आज की जंग में टायरेंट्स इतने गुस्से में नहीं लग रहे थे। क्या कहा? एलीट बिल्कुल असली जैसा ही लग रहा है। तुम एक रिक्रूट हो और हमेशा वही रहोगे। वापस दो मुझे, ये लो। वापस दो मुझे। तुम किसी काम के नहीं, तुम्हें अभी के अभी जमीन में गाड़ दूंगा। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता, अभी दिखाता हूँ कि कौन किसे गाड़ता है। क्या तुम मरना चाहते हो? रुको। जनरल, जनरल, इस शहर में लड़ना मना है, ये सब इसकी गलती है, मैंने सब देख लिया है। तो तुम एक महान योद्धा बनना चाहते हो? हाँ, मैं बनना चाहता हूँ। तो खुद को साबित करो,
इस दानाशाह को पकड़ो, खत्म करो इसे, फिर तुम योद्धा बन सकते हो। मैग्नस, ये बहुत खतरनाक है, इनसे पंगा मत लो। ये बुजदिल कभी नहीं करेगा। मैं ये करूंगा, उसे खत्म करूंगा मैं। लगता है मरने की बहुत जल्दी है तुझे। हटो यहाँ से, बचे कुछ दिन जी लो। पिछली बार हम उस टायरेंट को खत्म करने ही वाले थे कि वो बुड्ढा बीच में आ गया, नहीं तो उसकी खैर नहीं थी। हाँ, हम कितने करीब थे। आखिरी बार इसे शहर से 5 किलोमीटर दूर देखा गया था। यह जगह तो कब्रिस्तान है। टायरेंट्स यहां है। ये तो बिल्कुल ताजा निशान है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। लगता है ये वही है। अब मेरी बारी है, अब तो तू गया बच्चे। ये मेरा शिकार है। Oh,